हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति 10th क्लास की, जिसके अंतर्गत आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं का। तो जिसमें हमने 56 क्वेश्चन लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन 57। जयपुर की आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे प्रमुख है? जयपुर की आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ सबसे प्रमुख है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा यशोधरा चरित्र, जो कि 1591 ईस्वी में चित्रित किया गया। तो जयपुर की आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र जो है, यह ग्रंथ सबसे प्रमुख है। क्वेश्चन 58। मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में कौन से ग्रंथ बनवाए? मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में कौन से ग्रंथ बनवाए? तो उन्होंने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी बेली, ये दोनों ग्रंथ बनवाए अपनी रानी चंद्रावती के लिए। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। आमेर में 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? आमेर में 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने ही करवाया। उसी समय ही उन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वेली ग्रंथ बनवाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60। जयपुर शैली को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना किसने की? तो 36 कारखाने किसने बनवाए जयपुर शैली के अंतर्गत? तो वो थे सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61। सूरत खाना क्या है? सूरत खाना क्या है? जहां चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे उसे कहा गया सूरत खाना। ठीक है, जहां पर चितेरे जो थे, चित्रकार चित्रों का निर्माण किया करते थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 62। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे साहिब राम, लालचंद और लाल चितेरा। साहिब राम, लालचंद और लाल चितेरा, जिसमें साहिब राम और लालचंद जो है वो सवाई ईश्वरी सिंह के समय में पूरे समय रहे, उनके काल में। इसके अलावा जो लाल चितेरा है, लाल चितेरा सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह के समय के प्रमुख चित्रकार जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन। कौन सा चित्रकार सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार था? तो अभी मैंने बताया आपको कि लाल चितेरा जो था वह सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह, इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय कितने कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय कितने कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने में नियुक्त थे? तो सूरत खाना क्या था, जहां पर चित्रकार चित्र बनाते थे? तो इनके समय, किनके समय? महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय लगभग 50 से भी अधिक कलाकार जो है वहां पर चित्र बनाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। किसने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की 1857 ईस्वी में स्थापना की? तो किसने की महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना? महाराजा सवाई राम सिंह ने। किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में यह जाना जाता है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से। किस नाम से जाना जाता है ये अब? महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट को वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 67। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्र की परंपरा किन शैली की देन है? तो व्यक्तियों के जो चित्र हैं, बड़े बड़े पोर्ट्रेट जो हैं, वह जयपुर शैली की देन है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन। आला गीला, अराइस तथा मोराकसी कहाँ के भित्ति चित्रों की एक पद्धति है? तो आला गीला, अराइस और मोराकसी, ये चित्रों की टेक्निक जो है वह जयपुर की है और प्रारंभ में ये आमेर में थी। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन। अलवर शैली में राव राजा प्रताप सिंह, इनके समय के दो चित्रकार कौन से थे?
तो अलवर शैली के अंतर्गत पूछा जा रहा है राजा प्रताप सिंह के समय के दो प्रमुख चित्रकारों के नाम। तो वो थे शिव कुमार और डालू राम। कौन थे शिव कुमार और डालू राम? अलवर शैली में प्रसिद्ध दो चित्रकार थे राजा प्रताप सिंह के समय के। अलवर शैली के सर्वोत्कृष्ट प्रारंभिक चित्र कौन से हैं? अलवर शैली के सर्वोत्कृष्ट प्रारंभिक चित्र कौन से हैं? तो वे हैं राजगढ़ किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र। राजगढ़ किले के शीश महल में जो अंकित भित्ति चित्र हैं वह अलवर शैली के प्रारंभिक चित्र हैं। बहुत ही अच्छे, बहुत ही सर्वोत्कृष्ट। क्वेश्चन 71 है, राजगढ़ के महलों के शीश महल का चित्रण कराकर चित्रकला की शुरुआत किसने की? राजगढ़ के महलों के शीश महल का चित्रण कराकर चित्रकला की शुरुआत किसने की? तो सबसे प्रारंभिक चित्र जो है वह शीश महल में ही अंकित भित्ति चित्र थे, तो इसकी चित्रकला की शुरुआत की बख्तावर सिंह ने। इस शीश महल का चित्रण कराकर चित्रकला की शुरुआत किसने की? बख्तावर सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72, चित्रकला में अकबर की तुलना अलवर के किस महाराज से की गई? चित्रकला में अकबर की तुलना अलवर के किस महाराज से की गई? तो आंसर क्या रहेगा? विनय सिंह। किन चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? किन चित्रों के कारण शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? तो नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि स्थानों के भित्ति चित्र, इनको इन चित्रों के कारण ही शेखावटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने कहाँ के भित्ति चित्रों की प्रशंसा की? फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने कहाँ के भित्ति चित्रों की प्रशंसा की? तो उन्होंने फतेहपुर की हवेलियां हैं इन इनके जो भित्ति चित्र हैं यहाँ की प्रशंसा की। तो फतेहपुर की हवेलियों की जो भित्ति चित्र है उनकी प्रशंसा कौन करते हैं? फ्रांस के नदीन ला प्रेंस। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमने राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लोक कला और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।